हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर विच इज़ अ ज़ीरो लर्निंग अकेडमी प्लेटफॉर्म। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फूड इंजीनियरिंग की सीरीज़। फूड इंजीनियरिंग जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बीटेक में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को और एमटेक में भी पढ़ाया जाता है। बीटेक में फूड इंजीनियरिंग 1 होता है और फूड इंजीनियरिंग 2 होता है। दो इसके वर्जन होते हैं, एक सिंपल होता है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और मास्टर्स लेवल पर भी ये पढ़ाया जाता है, इवन बीएससी में भी ये सब्जेक्ट चलता है फूड इंजीनियरिंग का। तो आज हम बेसिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड इंजीनियरिंग की। तो पहले लिख लेते हैं, तो फूड इंजीनियरिंग की हम बेसिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें आज जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेक्चर 1 सीरीज़ है। और वो जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके सारे के सारे एस्पेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पे जब वीडियो लंबा हो जाता है तो बच्चे उसको देखते नहीं हैं, जो कंसर्न पीपल्स हैं उसको पसंद नहीं करते हैं। तो हम थोड़े समय में, छोटे से वीडियो में, हम सारी चीज़ें समाने की, कंसाइज करने की, प्रिसाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली ये सब चीज़ें जो मैं इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ इसलिए, ताकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर मटेरियल्स वगैरह कहीं नहीं मिलता है, यूट्यूब वगैरह पे भी इस तरीके की वीडियोस वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ आप वीडियो बनाकर डालिए। तो उन सारे बच्चों के एंडोर्समेंट की वजह से मुझे लगा हाँ यार, मुझे एक्चुअली ये सब करना चाहिए, बिकॉज देयर शुड नॉट बी डेड एंड ऑफ एजुकेशन, है ना। तो मेरी ये फिलॉसफी है कि एजुकेशन का डेड एंड नहीं होना चाहिए। अगर मैंने अपने गुरुजनों से चीज़ें हासिल करी हैं, मैंने अपने उस्तादों से चीज़ें हासिल करी हैं, सीखी हैं, तो मुझे जनता तक भी, मुझे बच्चों तक भी, जो भी लर्नर्स हैं उन तक चीज़ें पहुंचानी चाहिए। तो हम एक एक चीज़ करके बिल्कुल क्रिटिकली उसको डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेसिक, और ये हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, कि ये क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ दिस, मतलब लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में हम चूँकि बात कर रहे हैं लिक्विड ट्रांसपोर्ट की, हम सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं। तो लिक्विड ट्रांसपोर्ट मतलब जो भी लिक्विड फूड्स हैं, लिक्विड फूड में हम बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क का, दूध का, जो सबसे कॉमन है। तो दूध में या दूध की इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बिफोर पैकेजिंग से पहले दूध को एक जगह से, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेजने की ज़रूरत पड़ती है। सीधी बात है, क्लियर है, आप सभी लोग इस बात के, इस तथ्य को मानते होंगे, ठीक है भाई। दूध सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रिसीव किया जाता है, जो रॉ मटेरियल है, जो अनप्रोसेस्ड मिल्क है, उसको एक टैंक में स्टोर किया जाता है। उसके बाद में फिर वो एक जगह आता है जहाँ क्लीनिंग होगी या दूसरे ऑपरेशंस होंगे, है ना। उसके बाद में फिर उसको भेजा जाता है पाश्चराइजेशन के लिए, उसका पाश्चराइजेशन होगा, है ना। पाश्चराइजेशन क्यों किया जाता है आप सब लोग जानते हैं, कि ताकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उस दूध को ख़राब कर सकते हैं और क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसको हम किल कर देते हैं। उसके बाद में फिर फर्दर उसकी प्रोसेसिंग होती है, तमाम तरीके के जो भी ऑपरेशन होते हैं, जब तक कि उसको पैक नहीं किया जाता है। तो बिफोर पैकेजिंग एक्चुअली मतलब रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मिल्क, हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो रॉ मिल्क यहाँ पर लिखेंगे। तो रॉ मिल्क से लेकर बिफोर पैकेजिंग, पैकेजिंग से पहले तक जो भी एक जगह से दूसरी जगह मिल्क को भेजा जाता है, और उसको भेजने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसी सिस्टम को हम कहते हैं लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में। और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम अनप्रोसेस्ड या रॉ मटेरियल कोई लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, और जब तक कि उसकी पैकेजिंग ना हो जाए, तब तक हम उसको अलग अलग यूनिट ऑपरेशन कराने के लिए
हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी भेजने के लिए, इसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसी सिस्टम को हम कहते हैं लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बात समझ में आ गई। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली आम तौर पे, हम इसको पूरा हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो बेसिकली इसमें लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसमें बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं, फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके, फोर मेन कंपोनेंट्स, इसके चार मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आपका टैंक आता है, सबसे पहला टैंक। भाई आप अनप्रोसेस्ड मिल्क लाओगे, कच्चा दूध लाओगे, तो कच्चे दूध को कहाँ स्टोर करोगे आप, किसी टैंक के अंदर स्टोर करोगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आपको भेजना है, तो सबसे पहली ज़रूरत किसकी पड़ेगी, टैंक की। तो टैंक इसका एक सबसे मुख्य, सबसे मेन कंपोनेंट होता है लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो सबसे नंबर वन क्या होता है, टैंक, नंबर वन टैंक। और इसके अलावा दूसरा क्या होता है, भाई टैंक में आपने स्टोर कर लिया, अब आपको टैंक में से जो कच्चा दूध है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है क्या होगा, पाइप्स, जो पाइप्स होते हैं जो आपके घरों में लगे होते हैं। देखिए, ये जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कुछ अलग नहीं है, ये वैसा ही है जो आपके घरों में पानी का सिस्टम होता है। भाई आप अपने घरों में जो है वो टैंक लगाते हो ऊपर, फिर पाइप लगाते हो कि भाई बाथरूम में पानी देना है, टॉयलेट में पानी देना है, या कमरे में पानी देना है, या वहाँ पर पाइप ले जाना है, तो वैसा ही है सिंपल। अब इस चीज़ को हम इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम हल्का सा कॉमर्शियल लेवल पर डिस्कस कर लेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है हमारा, पाइप्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाइप्स। ठीक है, पाइप्स आ गया। अब भाई मान लो हमने टैंक के अंदर अपना कच्चा दूध स्टोर कर लिया है ना और पाइप भी लगा दिया हमने, फिटिंग विटिंग कर ली, तो अब कैसे जाएगा। देखिए, जो मिल्क है, मिल्क एक मटेरियल है, तो अगर हम दूध को, या हम मान लिया आपके अपने घरों के अंदर टैंक ऊपर ऊपर रखा हुआ है आपने, ऊपर से नीचे पानी आना होता है, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा। ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी आपका ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो अगर हम मिल्क को भी ऊपर से नीचे अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा। ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी ऊपर से नीचे, मतलब दूध ऊपर से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हो, हॉरिजॉन्टल मतलब यहाँ से यहाँ अगर ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हो, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर आप चढ़ाना चाह रहे हो, ठीक है, बॉटम से टॉप पर अगर आप दूध को ट्रांसपोर्ट कराना चाह रहे हो, तो आपके पास क्या और होना चाहिए, पंप होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच क्रिएट्स प्रेशर। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या है, पंप्स, पंप। और पंप किस लिए होते हैं, प्रेशर जनरेट करने के लिए, ताकि वो उतना प्रेशर जनरेट कर पाए ताकि आपका दूध आपका दूध इधर से उधर पहुंच पाए और नीचे से ऊपर पहुंच पाए, जहां पर नॉर्मली ग्रेविटी फोर्सेस नहीं काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं तो नलीफाई हो जाते हैं। तो तीन बेसिक कंपोनेंट आपके ये हो गए, और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या रह गया हमारा, फिटिंग्स, फिटिंग्स। और फिटिंग्स में हमारे क्या क्या आते हैं, हमारा वाल्व्स आते हैं, ठीक है, और हमारे जो भी स्ट्रक्चर हैं जो डायरेक्ट करते हैं फ्लो को, डायरेक्ट फ्लो, जैसे मान लो हमारा पाइप सीधा जा रहा है, ठीक है, अब हमें जो है नीचे कराना है तो हमने एक वाल्व लगा दिया। अलग अलग शेप के जो वाल्व्स आते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि एग्जैक्टली वैसा ही सिस्टम है जैसा आपके घरों में पानी का सिस्टम लगा हुआ है, वो भी लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो आपने आपने जो है वाल्व लगा दिया, या आपने कोई और स्ट्रक्चर लगा दिया पानी को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के ये चार सबसे इम्पॉर्टेंट, ये टैंक्स, पाइप्स, पंप्स, फिटिंग्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चार मेन कंपोनेंट होते हैं इसके यही होते हैं। इसके अलावा और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, ठीक है। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब फूड के केस में ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब फूड के केस में जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, देखिए भाई लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम केमिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी फॉलो होता है, जहाँ पर वो एसिड बना रहे हैं, तरह तरह के केमिकल बना रहे हैं, भाई उनको भी तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने की ज़रूरत पड़ती होगी, भाई पड़ती होगी कि नहीं पड़ती होगी बेसिक चीज़ है ना ये, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी। लेकिन फूड के केस में क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। तो फूड के केस में
जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा अलग क्यों है, इसका डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट की बात करते हैं। डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स, देखिए फूड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। हमें जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फूड के केस में, तो हमें डिज़ाइनिंग ऐसे करना पड़ेगी कि हम उसकी बार बार आसानी से क्लीनिंग कर पाएँ, सफाई कर पाएँ, क्योंकि अगर क्लीनिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रो करने लगेंगे, और ग्रो करेंगे तो क्वालिटी फूड की ख़राब हो जाएगी। जैसे हम दूध की बात करें, दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। तो हमें लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फूड के लिए डिज़ाइनिंग इस तरीके से करनी है कि हम क्लीनिंग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ताकि क्वालिटी हम मेंटेन रख पाएँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब हम बात करते हैं लिक्विड फूड की, तो लिक्विड फूड में हमारी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारा मिल्क भी आ गया, ठीक है, और हमारा टोमेटो सॉस ये भी आ गया। ये प्योर लिक्विड है, ये थोड़ा सा सेमी लिक्विड है। तो मिल्क के लिए, मिल्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एज ए मिल्क, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी भाई, उसकी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होगी, दूध की जो है वो विस्कोसिटी अलग होगी, ठीक है। दूध की जो है जितनी भी जो फ्लो प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी, ठीक है। मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ। और जो टोमेटो सॉस है उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी, भाई टोमेटो सॉस थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, इतनी आसानी से फ्लो नहीं करेगा। तो उसके लिए जिन स्ट्रक्चर की हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो थोड़े से ऐसे हों जहाँ पर जो ड्रैग फोर्सेज हैं, जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो मिनिमाइज हो सकें, उनको हम कम कर सकें। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं फूड के लिए, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि फूड की क्वालिटी मेंटेन करना। उसकी डिज़ाइनिंग ऐसे करते हैं ताकि हम आसानी से क्लीनिंग कर पाएँ, और क्लीनिंग कर पाएँ क्यों, क्योंकि सारे के सारे फूड्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है और टोमेटो सॉस की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। हो सकता है, और हो क्या सकता है, ये क्लियर है कि मिल्क के लिए जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाता है उसके लिए जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो अलग हो, और टोमेटो सॉस के लिए जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाता होगा जो इंडस्ट्रीज़ में, उसके लिए जो मटेरियल चुना जाता है वो अलग हो। और इसी को हम कहते हैं फूड इंजीनियरिंग। फूड के लिए जो मशीनें हम बनाते हैं, जो इक्विपमेंट हम बनाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम बनाते हैं, उन्हीं की डिज़ाइनिंग की तमाम स्टडी विद द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, इसी को सब मिलाकर हम कहते हैं फूड इंजीनियरिंग। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली हमारा ये लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो हमने अभी डिस्कस किया था, और ये उसके डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स हैं। और इसमें फोर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया आपको कि जो हमारा, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे हम लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा रॉ मिल्क है वो यहाँ पर आया, ये हमारा रॉ मिल्क आया, रॉ मिल्क यहाँ पर रिसीव हुआ, ये ठीक है, ये रिसीव हुआ। अब यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इस टैंक में गया, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए पाश्चराइजेशन हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये स्टोर हो गया साहब, इसके बाद में ये कहीं और आ गया, ठीक है, फिर फाइनल इसकी पैकेजिंग हो गई, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पूरा जो लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये यही है, ठीक है ना। मतलब रॉ मिल्क से लेकर जब तक कि पैकेजिंग नहीं हो जाती, इसके बीच में लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए जिन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है उसे लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारा टैंक्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, हमारा पंप होता है, और फिटिंग्स होती हैं, मेन कंपोनेंट, ठीक है ना। और आपने देख लिया ये मिल्क का हमने एग्जाम्पल लेके आपको बताया, और डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट में जो हमने बताया कि फूड की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, अलग अलग फूड मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप के लिक्विड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए अपनी बात को मैं यहीं विराम दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आपके सबके समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक चीज़ छूट गई है तो अपना सजेशन भी दीजिए, अपना मशवरा भी दीजिए।
ठीक है। तो बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर, जीरो लर्निंग एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमने पहली सीरीज शुरू करी है फूड इंजीनियरिंग की, तो हमें बहुत बहुत दुआएं दीजिए, एनकरेज करिए अपने कमेंट के साथ में और सजेशन भी दीजिए। तो बने रहिए, बहुत जल्दी हाजिर होंगे इसी से जुड़े हुए अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।